हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एंड माय नेम है शिवांश भसीन। सो जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं हॉलीडेज के लिए गया हुआ था हिमाचल, एंड वहां से मैं ट्रैकिंग के लिए बेसिकली गया हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड बहुत अच्छा सीन था, बहुत अच्छा सीनरी थी, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया एक्चुअल में। और मैं कल ही आया हूँ अपने होम टाउन, सो मैं आप लोगों के सामने दोबारा प्रेजेंट हो गया। एंड अब बात करते हैं, देखिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा एक जो हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियोज़ बना रखी हैं उसको क्लिप करके आपके साथ एक बार शेयर करी जाएंगे, एंड आपको दिखाया जाएगा कि कैसा माहौल था वहाँ का और किस तरीके से हम लोगों ने इन्जॉयमेंट करी है। सो चलिए चलते हैं, तब तक बात करते हैं कि कल कौन सी मार्केट पर ट्रेड करना है और मार्केट इतने टाइम से जो हो रही थी किस तरफ से हमें मार्केट पर अपनी पोजिशन को सेटल करना है। सो आज बेसिकली मैंने कोई ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी के अंदर, एंड मैं बताऊंगा क्या लॉजिक था इसका ट्रेड लेने का, एंड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्या उस ट्रेड को अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या आप लोगों के लिए वो ट्रेड सूटेबल है, सारी बातें करेंगे। प्लस हमें क्या लगता है कि मार्केट और कहाँ तक जा सकती है, बिकॉज मार्केट अभी काम कर रही है साइडवेज के अंदर। हम लोगों ने एक ह्यूज गैप डाउन देखा था, उसके बाद एक रिकवरी आई है, 50% तक ऑलमोस्ट रिकवर कर चुका है। बट क्या मार्केट यहां से पूरा रिकवर कर सकता है या मार्केट यहां से दोबारा नीचे गिर सकता है, सारी बातें करनी है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शंस के एनालिसिस के बेसिस पे, ओपन इंटरेस्ट के एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग फाइंड करेंगे कि मार्केट की डायरेक्शन किधर है इस जुलाई की एक्सपायरी में, प्लस कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बात करते हैं। सो चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने सेटअप पे और देखते हैं कौन सा स्टॉक हम लोगों को कल पैसा कमा के दे सकता है। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज बोरोरिन्यू। बोरोरिन्यू स्टॉक हमारा है, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक एक ट्रेंडलाइन को समझना पड़ेगा। देख सकते हैं सबसे पहली ट्रेंडलाइन जो बॉटम से चलती हुई आ रही है, बहुत बढ़िया सपोर्ट ले रहा है बोरोरिन्यू में। आगे आप देख सकते हैं एक रेड कलर की लाइन, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, जहां पर मल्टीपल रेजिस्टेंस था और एक डबल टॉप टाइप सिनेरियो पैटर्न क्रिएट हुआ था। उसके बाद अगर आप देखेंगे एक शार्प अप मूव आई, यहां कंसोलिडेट करा, इट गेव अ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा ऊपर गया और आज 5% की इसने क्लोजिंग दिया है जो कि इसका अपर सर्किट है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने करा क्या, आप देख सकते हैं ये वाली पर्टिकुलर एक लाइन है। सो यहां पर एक कप और ये इसका हैंडल, एक कप एंड हैंडल का पैटर्न का भी फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट हुआ है और एक साइकोलॉजिकल लेवल जो कि 300 रुपीज का लेवल है इसके ऊपर जाके इसने अपनी क्लोजिंग करी है। सो आई गेस यहां पर एक बेस्ट स्टॉक बनता है इस पर्टिकुलर बाय कर साइड में। एंड अभी इसका करंट प्राइस है 302 रुपीज, मुझे लगता है अपने प्रीवियस हाई तक ये ऑलरेडी जा सकता है, विच इज 320 to 322 रुपीज के आसपास का। सो आप लोग इसे डेफिनेटली एक बाय सेटअप बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो 285 रुपीज का मेंटेन करना है, एंड टारगेट आपके 320 के होंगे। बट अगर ये 320 को भी ऊपर की तरफ तोड़ देता है तो और नए लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं और तब हम लोग आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। हमारा सेकंड स्टॉक है कैनफिन होम्स। कैनफिन होम्स पे भी आप लोग देख सकते हैं एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न यहां पर डेवलप हुआ और इस पर्टिकुलर पैटर्न का एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छी मूवमेंट तो हम लोगों को देखने को मिली, बट उसके बाद कंटिन्यूसली वो लगातार 1 से 1.5 हफ्ते तक फॉल करते रहा। फॉल करने के बाद आप लोगों को यहां पर क्लियरली दिख रहा होगा, फॉल करने के बाद ये जो आप लोगों को रेड कलर की लाइन दिख रही है, यहां पर एक रेजिस्टेंस हुआ करता था। इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट दिया था एंड दोबारा जब फॉल करा तो वहां पर उसने एक बेस क्रिएट करा एंड वहां से इसने एक अच्छी मूव दी। आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसने बहुत अच्छी अपमूव दिया और इसका जो प्रीवियस ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट कैंडल थी, उसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग करी है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अब यहाँ पर हम लोग एक बाय सेटअप डेफिनेटली जनरेट करके रख सकते हैं और मुझे लगता है ये अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। कैनफिन होम्स बाय करने की सलाह है, अभी करंट प्राइस है 560 रुपीज के आसपास, आप लोग इसे बाय बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 600 to 610 रुपीज के आसपास का। और अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई तक भी ये स्टॉक पहुंच सकता है जो कि बहुत ज़्यादा नियरेस्ट है। अब बात करते हैं अपने थर्ड स्टॉक की। हमारा थर्ड स्टॉक है MCX। MCX पे बाय करने की सलाह दे रहा हूँ एंड ये वाला पर्टिकुलर स्टॉक तो मैंने आप लोगों को पहले भी सजेस्ट करा था, अराउंड 150 पॉइंट्स से ज़्यादा पॉइंट्स हम लोगों ने इसके अंदर गेन करे थे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेड लाइन, ये सबसे पहले ब्लैक और इस लाइन को समझेगा, ये एक रेंज है जिस रेंज के अंदर MCX काम कर रहा है। अगर आप इस रेड लाइन को फोकस करेंगे तो इस रेड लाइन के नीचे जब इसने एक ब्रेकडाउन दिया था, ब्रेकडाउन देने के बाद आप क्लियरली यहां पर देख सकते हैं कि इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म करा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया,
प्रीवियस हाई हमारा टारगेट था, एग्जैक्ट अपने टारगेट तक रीच करा। अब क्या हुआ, वहां पर एक सेलिंग प्रेशर दोबारा देखने को मिला और ये स्टॉक नीचे आने लगा। जो पहले इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करता था, अब वो उसके लिए एक सपोर्ट बन गया। और आज एक बहुत अच्छी मूवमेंट उस कैंडल ने आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर दी है। अब यहां पर एक चीज और अगर मैं डिस्कस करूं, सो लेट्स यूज अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट मुझे बता देगा कि ऑलमोस्ट ये फॉल करा है तो कहां तक करा है। सो आप देख सकते हैं, ये मैंने बॉटम लिया और ये मैंने टॉप लिया, एग्जैक्ट ये 61% तक आया और एक वहां से इसने अपमूव देना स्टार्ट कर दिया। आई थिंक ये अच्छा स्टॉक है और अपने प्रीवियस हाई तक दोबारा जा सकता है। अभी करंट प्राइस इसका है 1695 रुपीज का। आप लोग 1705 के ऊपर एक बाय सेटअप जनरेट कर सकते हैं। और जो इसका ये वाला हाई था जो कि 1800 का है, वो आपको आराम से ये स्टॉक दिखा सकता है। सो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स तक का आपको ये प्रॉफिट दिलवा सकता है। नेक्स्ट चीज, इसका स्टॉप लॉस का मेंटेन करें। देखिए, मुझे लगता है प्रॉबेबली कि ये स्टॉक आने वाले कुछ टाइम पे इसका भी ब्रेकआउट दे देगा और इस लो के नीचे नहीं जाएगा। ये जो कैंडल का जो आज लो बना है, इस लो के नीचे नहीं जाएगा। तो आप लोग क्लियरली क्या कर सकते हैं, अगर कल आपको बाय चांस ये स्टॉक डिप में दिखता है, मुझे लगता है कि कल मार्केट अगर डिप देती है स्टॉक को, तो आप इसे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका होगा इस पर्टिकुलर बड़ी कैंडल के नीचे छोटा सा, एंड उसके अलावा ये जितना ऊपर जा रहा है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए एंड स्टॉक को होल्ड करे रखिए। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे स्टॉक बहुत बढ़िया कर सकता है और 2000 के लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। तो स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर जरूर रखिएगा, मेरे पोर्टफोलियो वाले लिस्ट पे ये ऑलरेडी से ही है। ठीक है, सो अब बात करते हैं अपने फोर्थ स्टॉक की। सो हमारा फोर्थ स्टॉक है GRSE, यानी कि गार्डन रीच शिप। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले आप रेड लाइन पे फोकस करेगा। रेड लाइंस को मैंने कैसे ड्रॉ करा है, सारे टॉप्स को कनेक्ट करके, एंड उसके बाद मैंने एक रेंज डेवलप करी है ब्लू कलर की। अगर आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, एंड यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं इस रेंज के अंदर ये बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, एंड रेंज के अपर साइड जो एक रेजिस्टेंस है वहां पर बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप देख पा रहे होंगे ऑलमोस्ट एक महीने से ज्यादा हो गया है कि इसे कंसोलिडेट करे हुए इस रेंज के आसपास। अब इसका लग रहा है कि ब्रेकआउट आ सकता है। राइट नाउ द करंट प्राइस इज अराउंड 209 रुपीज। मुझे लगता है ये 211 के ऊपर अच्छी मूवमेंट कर सकता है। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं बाय करने की सलाह दे रहा हूँ आप लोगों को। मेरे को जो टारगेट्स लगते हैं वो 230 to 240 रुपीज के इन बिटवीन लगते हैं, जो कि मुझे लगता है ये स्टॉक दिखा सकता है। इस स्टॉक को अगर आप लोगों को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर ऐड करना है तो आप लोग डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। स्टॉक का नाम है GRSE। आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ ये किस तरीके से दिखता है, कि आप लोग ड्रॉ कर सकें अपने खुद के चार्ट्स पे और उसके बाद अपना खुद का ट्रेड ले सके। ठीक है, बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की। मेरा लास्ट स्टॉक है स्टील अथॉरिटी लिमिटेड, सेल। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आप लोग देखेंगे, क्लीन और एक सिंपल पैटर्न डेवलप हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को एक बुलिश मूवमेंट आते हुए देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर से। उसके बाद ये एक रेंज के अंदर डेवलप हो गया है, एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट होते रहा। कंसोलिडेशन के बाद आपको देख सकते हैं क्लियर ब्रेकआउट हम लोगों को आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखने को मिला है। अब आप देख सकते हैं ट्रेडिंग का ब्रेकआउट इसने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पर भी दिया था, बट उसके बाद दोबारा नीचे आ गया था। अब नीचे आने के बाद जो ऊपर से एक हैवी सेलिंग प्रेशर था आज के ट्रेडिंग सेशन पे, उसे पूरा का पूरा कवर अप कर लिया गया। अब यहां पर एक बेस्ट बाय कब बनता है, अभी राइट नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 129.60 रुपीस एंड 60 पैसा। एंड यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो फ्रेश ब्रेकआउट मतलब फ्रेश बाइंग बनती है, वो बनती है 131 रुपीस के ऊपर। सो हम लोग 131 रुपीस के ऊपर इसको एक बाय करके चलेंगे, एंड जो मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो कि 142 रुपीज तक के आसपास का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एंड कल के ट्रेडिंग सेशन पे अगर ये 131 के ऊपर निकलता है तो मैं पर्सनली इस पे अपनी खुद की बाइंग लूंगा और मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा इस पर्टिकुलर स्टॉक को। रीजन क्या है, आप देख सकते हैं एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया अपमूव दी, बहुत टाइम कंसोलिडेट कर चुका है। अगर आप ब्रेकआउट देगा तो ये पूरी मूवमेंट को दोबारा कैप्चर कर सकता है। सो अगर आप लोगों को इसके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर एंड रखना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली रख सकते हो। मेरा जो स्टॉप लॉस, मेरा पर्सनली स्टॉप लॉस होगा वो इस रेंज के नीचे होगा, दैट इज 118 रुपीज का। 10 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 1:2, 6:7 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेकर ही मैं निकलूंगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, उसके बाद बढ़ते हैं अपने ऑप्शन चेन एनालिसिस की तरफ। सो मैंने निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन करा हुआ है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। सो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, आपको दो ब्लैक लाइंस दिख रही होंगी टॉप और बॉटम की। ये एक रेंज है जिस रेंज के अंदर निफ्टी बहुत टाइम से काम कर रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है।
अब आपको एक ब्लू लाइन भी और ज्यादा शो कर रही होगी। ये ब्लू लाइन भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस का ही पार्ट है, यानी कि अगर इस ब्लू लाइन के ऊपर जाता है तो प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि ये ब्लैक कलर के रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है, अदरवाइज वो यहीं से रिवर्स हो जाता है। अब आप देखेंगे फर्स्ट टाइम इधर सिनेरियो, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम एंड सिक्स्थ टाइम अपने रेजिस्टेंस को छुआ एंड दोबारा नीचे आया, अगेन ये यहाँ पर आया अपने इस रेजिस्टेंस पे। आप देख सकते हैं इट क्रिएटेड अ डबल टॉप टाइप ऑफ सिनेरियो। आप देख रहे हैं ऊपर गया, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, डबल टॉप क्रिएट करा एंड यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ। सो आई पर्सनली थिंक कि यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर और देखने को मिल सकता है और ये दोबारा नीचे आ सकता है। अब एक और बात अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, आप देखिएगा ये अपसाइड अप मूव करी, नीचे आया, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करा, मतलब एक डाउन ट्रेंड का पहला सिग्नल हमें मिला कि लोअर लो बनाया है इसने। अब हमें एक दूसरा सिग्नल क्या चाहिए, एक लोअर हाई भी होना चाहिए। लोअर लो तो बनाया, ऊपर गया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, नीचे से ही रिवर्स कर रहा है। सो ये एक लोअर हाई भी हुआ। सो अगर ये पैटर्न, मतलब ये जो सिस्टम है जिसे हम डिफाइन करते हैं फॉर अ टर्म ऑफ बियरिश कि ये स्टॉक बियरिश है कि नहीं है, अगर ये एक्चुअल में बियरिश है निफ्टी, तो ये अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक करके नीचे जा सकता है। बट अगर ये नीचे जाएगा तो अच्छी बात है, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि अब लोअर लो, लोअर हाई स्टार्ट हो गया, अब मार्केट एक डाउन ट्रेंड की तरफ चलने स्टार्ट हो गई है। बट अगर ये यहीं इन बिटवीन कहीं से रिवर्स कर देता है और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है, दिस इज नाउ द प्रीवियस हाई, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हम लोग कहेंगे कि मार्केट अभी भी स्टिल चौपी है और इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करने वाली है। ठीक है, आई होप आप लोग मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। बट राइट नाउ मुझे लगता है ये एक्सपायरी इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नहीं हो सकती है, इसके नीचे ही होगी और वहां पर हम लोग अपना फायदा या अपने ऑप्शंस के ट्रेड को इजीली ले सकते हैं। ठीक है, सो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ ये जो गैप है इस गैप को फिल करने तो जरूर आएगा, जो कि मुझे लगता है कि राइट नाउ द प्राइस इज अराउंड 15,820 के आसपास। मुझे लगता है कि 15,700 to 650 तक आ सकता है आराम से निफ्टी और हम लोगों को अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मेरा जो स्टॉप लॉस है, अगर आपको कल ये हल्का सा ऊपर भी दिखता है तो इन इस ब्लू लाइन के नीचे आप कभी भी शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए इस ब्लैक कलर की लाइन का, इस ब्लैक कलर की लाइन का थोड़ा सा ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा एंड आपका टारगेट ये होगा। तो मुझे लगता है 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको मैं ईजिली दे रहा हूँ इस पर्टिकुलर में। ठीक है, अगर कल गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलने के बाद चेक करेगा शुरुआत की 2-3 कैंडल कि किस तरीके से फॉर्म कर रही है, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन करा हुआ है एंड यहाँ पर भी एक सिंपल रेंज बन रही है जो हम लोगों को निफ्टी पे देखने को मिल रही थी। दोनों आप लोगों को ब्लैक लाइन से मैंने ड्रॉ करके दिखा रखा है। अब यहाँ पर दो ब्लू लाइंस भी आपको दिख रही होंगी, वो दो ब्लू लाइंस का रेंज क्या है और वो काम क्या कर रही हैं। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हैं अपर साइड का जो है वो एक रेजिस्टेंस है ब्लू लाइन एंड लोअर साइड का एक सपोर्ट का काम कर रहा है। आप देख रहे होंगे मल्टीपल यहाँ पर इसने ट्रिपल टॉप टाइप सिनेरियो क्रिएट करा, उसके बाद वहाँ से नीचे आया और अभी एग्जैक्ट अपने सपोर्ट पे है। अगर कल इसका एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है और अगर एक गैप डाउन भी देखने को मिलता है तो एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है जो कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स को लेकर आ सकता है 34,400 रुपीज के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का एक डाउन साइड देखने को मिल सकता है अगर इसने कल एक गैप डाउन ओपनिंग दी और अगर कल ये नीचे खुलना स्टार्ट होता है। अदरवाइज अगर कल ये 35,100 के ऊपर निकलना स्टार्ट होता है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां से 200 to 300 पॉइंट्स की ये एक मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, सो जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, ये जो गैप आपको देखने को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता ये गैप अभी फिल करेगा, मुझे लगता है अभी और डाउन साइड देखने को मिल सकती है। बट अगर नहीं भी देखने को मिलती है तो मेरा जो अल्टीमेट है कि 35,800 के आसपास अगर बाई चांस बैंक निफ्टी आ जाता है तो वहां पर मैं क्लियरली शॉर्ट करने के लिए तैयार हो सकता हूँ। अभी मैं आप लोगों को डाटा भी दिखाऊंगा और मैंने आज क्यों शॉर्ट करा बैंक निफ्टी को, मैं उसका रीजन बताता हूँ। सो प्रोबेबली मैंने क्या करा था, मैंने 35,100 का मैंने कॉल शॉर्ट करा एंड 34,900 का मैंने पुट लॉन्ग करा। अब यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो मैं पूरा ही बियरिश हो गया, मैंने कोई हेजिंग नहीं करी। तो मैं हेजिंग करना था, मुझे हेजिंग करनी थी एंड मुझे जो हेजिंग करनी थी वो अराउंड करनी थी 3 बजे के आसपास। ये जो स्ट्रैटेजी मैंने दी थी अराउंड 2 बजे के आसपास दी थी। अब हेजिंग मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक्चुअल में मैंने करा क्या, जब मार्केट थी अराउंड 35,030 के आसपास, 35,030 के आसपास, मतलब अपने प्रीवियस हाई को छू के नीचे आई थी, तब वहां पर मैंने ये स्ट्रैटेजी लोगों को दी थी, मतलब अपने क्लाइंट, अपने मेंबर्स और मैंने खुद पर्सनली ली थी। मैंने क्या करा, 34,900 का पुट को बाय करा, लॉन्ग करा
ये जितना नीचे आया मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स वहाँ से नीचे आ चुका था, तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा था। इसके अलावा मैंने 35,100 का कॉल भी शॉर्ट करा था। वाई? क्योंकि यहाँ पर एक ट्रिपल टॉप टाइप सिनेरियो बना हुआ था, एंड उसके बाद अगर इसके ऊपर जाता तो वहाँ पर मैं फिर अपनी पोजीशन को एग्जिट करना स्टार्ट करता। आई होप आप लोग मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे कि ये एक लेवल था, तो इसके क्लोजेस्ट वाला जो स्ट्राइक प्राइस था उससे ही मैंने एक कॉल को शॉर्ट करा, मतलब अपनी पोजीशन को हेवी सेलिंग प्रेशर के लिए बनाया। अब यहाँ पर पॉइंट आता है, सिर्फ अगर आपने एक हेजिंग नहीं करी, आपने कोई नहीं करा, तो आप 3 बजे क्या करने वाले थे? तो गाइस 3 बजे मैंने बाय करा है 35,300 का कॉल ऑप्शन। अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने आपको क्या कहा, अगर ये ब्रेकआउट देता, अगर इसके ऊपर चले जाता है बाय चांस, तो एक हैवी मतलब एक फिर बाइंग प्रेशर भी आ सकता है, और बाइंग प्रेशर आएगा तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा? ऑफ कोर्स ये वाला टारगेट होगा। सो यहाँ पर मैंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, मेरे को पता था कि डाउनसाइड आ रही है जब मैंने उन लोगों को पुट बाय करवाया और कॉल शॉर्ट करवाया, मैं उसी टाइम भी हेजिंग के लिए 35,300 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकता था, बट मुझे पता था जब नीचे आना है तो मुझे और सस्ते में मिल सकता है। आई होप आप लोग मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे, मुझे और सस्ते में मिल सकता है। तो अब वो इस लेवल पे क्लोज हुआ था अराउंड 3 बजे, जब इसी लेवल पे था तो मैंने लोगों को 35,300 का एक कॉल ऑप्शन बाय करवाया। अब अगर कल एक डाउनसाइड आती है तो वैसे भी जो मेरा 35,100 का कॉल है वो तो अगर एक्सपायरी वाले टाइम इसके नीचे रहता है तो वो तो जीरो हो जाएगा, और जो मेरा ये वाला कॉल है ये भी मेरा जीरो हो जाएगा जो मैंने बाय कर रखा है। तो जो मेरा ये जीरो होगा, ये मेरा प्रीमियम ज्यादा था और ये कम था, तो उसका जो भी क्रेडिट अमाउंट होगा तो वो मुझे मिल जाएगा, प्लस ये जो पुट का अमाउंट होगा वो मुझे मिल जाएगा। तो इन दी एंड मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहूंगा। बट अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, इन बिटवीन यहां पर क्लोजिंग देता है, तो मेरे लिए कम प्रॉफिट्स रहेंगे, ठीक है। बट अगर इसके ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो एक सिंपल जो अराउंड 11,000 रुपीज का रिस्क मैंने लगा रखा है, उतना रिस्क लेके मैं निकल जाऊंगा। बट मैंने ऑलमोस्ट 3-4 लॉट्स मैंने सेल कर दिए, मतलब एग्जिट कर दिए थे आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। अभी राइट नाउ मेरे पास 7 लॉट ऑलरेडी पड़े हुए हैं, टोटल मैंने 10 लिए थे, ठीक है। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ और देखते हैं ऑप्शंस पे क्या हुआ था, कि मैंने क्यों ट्रेड ये सजेस्ट करा लोगों को और क्यों लिया। एक रीजन तो ये था, एक ऑप्शंस के बेसिस पे भी था। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोग अपने निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस की तरफ आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या चेक करना होता है, रेड बार्स और ग्रीन बार्स में से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन है। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो साइड हमारी डायरेक्शन होगी। ग्रीन बार्स डिनोट करते हैं पॉजिटिव, मतलब बुलिश और मतलब एक बेस, और जो रेड बार्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि एक बियरिश साइन है या फिर वो लेवल ब्रेक होने सकता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये इन बिटवीन में सबसे ज्यादा जो बड़े बार्स देखने को मिल रहे हैं वो मुझे देखने को मिल रहे हैं रेड बार्स, यानी कि कॉल राइटिंग, कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है 15,800 पे एंड 15,900 पे। सो इसका मतलब क्या है, ये जो एक्सपायरी होने वाली है जुलाई की एक्सपायरी, मुझे नहीं लगता 15,900 का लेवल ब्रेक हो पाएगा। अगर ब्रेक होता है बाय चांस तो ये जो ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है पूरा बदल जाएगा, फिर हम लोगों को नए तरीके से शुरुआत करनी पड़ेगी जो डाटा हमको विजिबल होगा। बट अभी जो डाटा विजिबल है हमें ये बता रहा है कि 15,900 बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होना। 15,800 जो है वहां पर एक सबसे ज्यादा बड़ी ग्रीन कैंडल है जो हमें बता रही है कि यहां पर एक पॉज भी ले सकता है। बट अगर एक घंटा भी ये 15,800 के नीचे सस्टेन कर गया तो डायरेक्टली हम लोग 15,700 to 15,600 के आसपास आ सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर आप लोग देखेंगे कॉल चेंज और पुट चेंज, कॉल चेंज हमको दिखा रहा है 6.5 मिलियन और कॉल पुट चेंज दिखा रहा है 6.5 मिलियन, कॉल चेंज दिखा रहा है 8.1 मिलियन। इससे तो हमें यही चीज पता चलती है कॉल राइटर्स ज्यादा हैं एक्टिव अकॉर्डिंग टू पुट राइटर्स, ठीक है। सो यहां पर हम लोगों को एक चीज पता चल रही है कि मार्केट साइडवेज टू डाउन ट्रेंड हो सकती है, और जो हायर लेवल है दैट इज 15,930 रुपीज का। 15,900 तक तो जा सकता है बट 15,930 के ऊपर या 940 के ऊपर सस्टेन बिल्कुल भी नहीं करेगा। सो वहां पर हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट करने की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के। सो बैंक निफ्टी हमें क्या बता रहा है, बैंक निफ्टी पे अगर मैं आता हूं तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि कॉल और पुट चेंज दोनों सेम है, तो मैं ज्यादा जोर इस चीज में नहीं ले रहा। बट अगर मैं ग्राफ को स्टडी करूंगा ओपन इंटरेस्ट को, तो मुझे यार एक चीज ज्यादा देखने को मिल रही है कि सबसे बड़ा ग्रीन बार का है। आप जरा मुझे एक चीज बताइएगा सबसे बड़ा ग्रीन बार का है और क्लोजिंग का है। क्लोजिंग हुई है 35,000 पे। सबसे ज्यादा पुट राइटिंग कहां पर हो रही है, बेस कहां पर क्रिएट हो रहा है,
33,500 पे, मतलब अपने क्लोजिंग प्राइस से 1,500 रुपये नीचे जाके एक बेस क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें फियर है कि मार्केट इतना पॉइंट तक भी गिर सकती है इस वाली एक्सपायरी में। जो ये 3 दिन हमारे पास बचे हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसमें 3 दिन के अंदर अंदर मार्केट अच्छी खासी गिर सकती है। तो इसी वजह से यहाँ पर इतनी दूर का एक सपोर्ट लिया गया है। देख सकते हैं हैवी पुट राइटिंग होनी चाहिए तो इस लेवल पे होती कि अगर यहाँ से नीचे गिरे तो एक रिकवरी भी आ जाए। बट हमें ये देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी बड़े ग्रीन बार सही नहीं, सिर्फ एक है जो कि अभी भी करंट लेवल से 1,000 पॉइंट नीचे है, बट रेड बार्स हर 500 500 पॉइंट के आ गया है। सो यानी कि अपसाइड इज वेरी लिमिटेड, डाउनसाइड के जो चांसेस है अगर मैं आप लोगों को परसेंटेज वाइज बताऊं, सो अपसाइड आप 30% मान के चलिए एंड डाउनसाइड 70% मान के चलिए। सो मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड हेवी आ सकती है और हमारे पास ऑलरेडी एक शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है, हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेरा क्या लॉजिक था आज शॉर्ट बनाने का। सो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट। यहां पर आप अगर देखेंगे तो जो ब्लैक कलर की लाइन आपको शो कर रही है, ब्लैक कलर की लाइन आप क्लियरली दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले ब्लैक कलर की लाइन है जो कि निफ्टी का ट्रेंड है, ये एक लाइन चार्ट है निफ्टी का जो मैं बता रहा है कि निफ्टी किस तरीके से एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है। अब यहां पर मैंने ओपन पुट करा 15,900 का कॉल का ओपन इंटरेस्ट। जब मैंने ओपन करा तो मैं देख रहा हूं जब मार्केट नीचे जा रही है तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है, यानी कि कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं। अगर कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं यानी कि वो एक बियरिश सेंटीमेंट है। ठीक है, अब इसके साथ अगर मैं 15,800 का पुट ऐड करूं तो मैं देख रहा हूं यार पुट बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। पुट राइटर्स अगर नीचे आ रहे हैं तो मतलब जिन लोगों ने पुट को शॉर्ट करा हुआ था वो पुट को लॉन्ग कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं उस पोजीशन से। अब क्या होता है अगर ब्लू लाइन, ये जो ब्लू है ये एक आप मान के चलो अच्छा है, ये बुलिश है, और ये जो ऑरेंज लाइन है ये एक बियरिश है। अगर बियरिश लाइन ऊपर चली जाएगी और बुलिश लाइन नीचे आ जाएगी, मतलब ऐसे काट के, सो हमारे लिए वहां पर एक बियरिश सिग्नल जनरेट होता है मार्केट के अंदर। बट अगर ये ऐसा उल्टा होता है जैसे आप यहां पर देखेंगे इस लेवल पे 23 जुलाई 9:30 को इसने काटा था ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन को ब्लू लाइन ने ऊपर की तरफ काटा था और मार्केट एक अप ट्रेंड में एग्जैक्ट वहां तक गई थी। ठीक है, अब यहां पर ये दोबारा नीचे आ रही है तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड ले सकती है। मैंने निफ्टी में तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं लिया, मैंने बैंक निफ्टी पे लिया था। मैं बैंक निफ्टी का बताता हूं कि इसने पहले से ही कट कर दिया था और क्या लॉजिक था। आप देखिएगा ये जो रेड कलर का जो लाइन आपको दिख रही है ये एक बियरिश है, ब्लू कलर की लाइन जो है वो एक बुलिश है। आप देख रहे हैं अराउंड इस बजे, अराउंड 26 जुलाई आज की डेट को 11 बजे के करीब इसने ब्लू लाइन को काटा और ऊपर की तरफ गया। और वहां पे मैंने अपने क्लाइंट्स को थोड़े टाइम बाद जब मुझे एक परफेक्ट लेवल मिला मैंने वहां पर एक शॉर्ट की पोजिशन इनिशिएट करी। ठीक है, आई होप आप लोग मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। तो ये थी गाइज मेरी एनालिसिस, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो 5 स्टॉक्स रिकमेंड कर दिए, निफ्टी बैंक निफ्टी की थॉरली एनालिसिस करके आपको मैंने समझाई है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट के अंदर और वो लोग कुछ सीख सके। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ गुड डे, बाय बाय।